भाई यार वो गए थे यार, पॉइंट ऑफ पार्क देखने वाला था। एक्चुअल में ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट स्लीपर क्लास की जर्नी थी जो अभी तक मेरे चैनल पे आई है। यार वो एक तो पेंट्री वाला ना बार बार भूल जा रहा था ऑर्डर मेरा, उसको याद दिलाया मैंने जाके तो जाके मेरा अभी भी, वो भी मैं खुद लेकर आया हूँ पेंट्री से जाके, तो वो तो भूल ही चुका था। साथ ही में गाजीपुर बांद्रा भी साथ ही में निकली है, एक पैलर एक्शन तो मिला साथ में, वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। अभी तो दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, मैं हूँ अभी गोवा एक्सप्रेस में। दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, मैं हूँ अभी गोवा एक्सप्रेस में। यहाँ ले रही है ये बहुत ही खूबसूरत सा कर, और अभी कुछ ही मिनट में, अभी 15-20 मिनट तक हम लोग पहुँचने वाले हैं अहमदनगर, और गाड़ी बहुत डिले चल रही है। कम से कम ये गाड़ी 5.5 घंटा तो यहीं भी डिले होगी। हाँ जी बॉस, क्या हाल चाल है फिलहाल? मैं अभी गोवा एक्सप्रेस में हूँ 12779 में। वही कल बोर्ड हुआ था इसमें मडगांव से, और मेरी जर्नी तो पूरी निजामुद्दीन तक की थी, और मैंने बोला भी था यार, मैंने इसे बोर्डिंग बुकिंग करवाई थी ये सोच के कि मैं वो दूध सागर वाटरफॉल कवर करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डिलेमेंट हुआ था एक बॉक्सन ब्रेक का, तो वो हो नहीं पाया मेरे से, गाड़ी डाइवर्ट होके आ गई। तो मडगांव होते हुए मतलब रत्नागिरी से फिर आई थी पनवेल, पनवेल से कल्याण, कल्याण से पुणे, पुणे से फिर अभी हम लोग डोंड कॉर्ड लाइन होके अभी अहमदनगर पहुँचेंगे अगले 15 मिनटों तक। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत फिलहाल इसी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है, ये उसका सेकेंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर ही देख सकते हो, आई बटन में मिल जाएगा आपको। चलो जी, टाइम तो अभी 1 बजने के करीब हो रहा है, गाड़ी अभी 5 घंटा और 28 मिनट डिले से अहमदनगर पहुंच रही है। पता नहीं चला यार अहमदनगर आ कब गई। यही ANG अहमदनगर पे आके रुकी है अभी तो, और इतना क्राउड शो नहीं हो रहा वैसे ज़्यादा। आगे वाली स्टाइल पे एक ही स्टॉल है, वो भी फ्रूट्स का लग रहा है, और मुझे लगता है इडली वड़ा और वड़ा पाव ये सब चीज़ें मिलेंगी अभी। जहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, एक तो प्लेटफॉर्म नैरो है ना इस साइड पे, पीछे वाली साइड पे फिर भी थोड़ा वाइड था। बाकी थोड़ा सोच विचार के अब आगे वाले स्टॉल से ही बनाना लेके जा रहा हूँ यार। वैसे तो पकड़े भी नहीं जा रहे, चलो 40 रुपये के साथ पड़े, वैसे 70 रुपये के दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं यहाँ पे। चलो यार अब थोड़ी देर फ्रूट से काम चलाना पड़ेगा। चलो वैसे 2 ही मिनट रुकने के बाद गाड़ी अहमदनगर से भी रवाना हो चुकी है। यहाँ पे मैंने देखा स्टेशन पे TT की चेकिंग बॉक्स टिक्ड है, जो स्टेशन वाली TT है। पीछे भी मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी खड़े हुए थे, आई थिंक ये उनके हाथ में कोई बच्चा लगा होगा, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं अब क्या है। लेकिन चेकिंग है इस रूट पे काफ़ी। आगे तो भैया इडली वड़ा, समोसा, वड़ा पाव ये इसी के स्टॉल है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, और फ्रूट्स मिल जाएगा बाकी आपको। अभी वैसे 1:30 बजने के करीब टाइम आ रहा है, और मैं पेंट्री कार से चक्कर लगा के आया था। मैंने बोला था कि आज ऑर्डर नहीं लेने आए, तो बोल रहे थे कि आप तो सोए हुए थे, मैं ऑर्डर लेने आया था। मैंने कहा मैं तो सोया भी नहीं हूँ, मैं तो बस सुबह उठा हूँ 7:30, उसके बाद तो मैं सोया भी नहीं, बस थोड़ी देर लेटा होगा बस, वो भी आँख खुली थी मेरी, ऑर्डर लेने नहीं आए होंगे यहाँ तो, ये यहाँ हो सकता है बाहर कहीं गया होगा तो शायद आए होंगे। तो मैंने बोला अभी फिर मेरे बीच सीट पर भेज देना, बोलेंगे आधा घंटा लगेगा भेज देंगे, तो फिर ऐसा कुछ अभी बोल कर आया हूँ। ये कुछ चल रहा है अभी, जा से रहा 1:30 बज जाएगा मेरा खाना आने जाने में। फिलहाल तो भाई 1:40 हो रहा है, गाड़ी बम्बोरी रेलवे स्टेशन पे आके अभी रुकी है, क्योंकि आई थिंक क्रॉसिंग है यहाँ से, झेलम आ रही है, और सिग्नल भी पीछे वाला ग्रीन ही है,
और क्योंकि यहाँ तक अब रूट डबल लाइन था बीच बीच में, अभी आगे से फिर सिंगल लाइन है, इस वजह से पहले रोका है हमको। एक चीज़ की मेरे को खुशी है कि मेरे को ना स्लीपर में बुक करवाने का रिग्रेट नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि मैंने जब इस ट्रेन में बुकिंग करवानी थी ना, मैं मई मई की बुकिंग करवा के रखी मैंने इसकी, तब मई एंड में, मतलब तब मैं चेक कर रहा था एसी में ना, मेरे को साइड लोअर नहीं मिल रही थी, मतलब नॉर्मल लोअर मतलब अपर ही मिल रही थी, मैंने बुकिंग पे चेक भी किया था। तो फिर मैंने सोचा यार अब क्या करूँ, तो मैंने इसका स्लीपर में करवा दी, उसमें साइड लोअर मिलेगी, मैंने कहा चलो ये सही है। लेकिन मेरे को यह था कि इसका स्लीपर जर्नल जैसा ना बने, ऐसा कुछ मन में आ रहा था। लेकिन क्योंकि उस टाइम में मेरे को न्यूज़ मिली थी कि इसके स्लीपर बढ़ रहे हैं, पहले तो दो ही स्लीपर थे इस गाड़ी में, लेकिन नहीं यार स्लीपर तो अभी भी खाली खाली सही जा रहा है। तो अब तो अहमदनगर में निकला हुआ है, तब भी इसका स्लीपर जो है वो ठीक ठाक ऑक्यूपाइड है, हालांकि बीच में अभी भी काफ़ी सीटें खाली ही हैं। इस साइड से हम आए ना, तो जिस ट्रैक पे हम आए हैं ये वाली मेन लाइन है, और जिस ट्रैक पे अब ये शिफ्ट हुई है, ये बेसिकली लूप पे नहीं है अब, इसके लिए ये मेन लाइन बन चुकी है, क्योंकि सिग्नल पीछे दोनों ग्रीन दिखा रहा है। तो वही काम चल रहा है ना अभी रास्ते में काफ़ी, तो ऐसे ऊपर नीचे होता है ट्रैक का। भुसावल WAP4 के साथ आ गई है, झेलम गाड़ी में S1 से S10 तक स्लीपर है, ऐसा ही होना चाहिए यार हर गाड़ी में। चलो 1:55 हो गया, गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, और जेलम के बाद अब अपनी हमारी ट्रेन से क्रॉसिंग हो रही है, ये निज़ामुद्दीन से वास्को जा रही है गोवा एक्सप्रेस WAP7 के साथ। देखो मैंने बोला था अपनी ट्रेन में पार्सल नहीं लगवा, लेकिन इसने पार्सल के दो दो कोचेस हैं, अपनी वाली में एक भी नहीं है क्योंकि अपनी डाइवर्टेड है। निज़ामुद्दीन वास्को, देखो वैसे अपनी ही ट्रेन है तो इसका भी कोच कॉम्पोजिशन बिल्कुल हमारी तरह ही, इसका S5 भी यहीं पे है, मेरा भी S5 यहीं है। अभी 2:30 बज रहे हैं और लगभग 6 घंटा डिले हो गई है गाड़ी, अब जाके कहीं बेलापुर पहुंच रही है गाड़ी। प्लेटफॉर्म लगे इस साइड से आई थिंक नया बना ना, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। हाँ बेलापुर सही है यार, बेलापुर अब, लेकिन धूप आ गई है यार, ये पहली अब जाके मैंने आज के डे में धूप एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अभी अब जाके धूप फील हुई है मुझे आज के पूरे दिन में। देखो अभी तक हमने 915 किलोमीटर कवर कर लिया है, मतलब मडगांव से लेकर अभी तक, और हमको लगभग 21 घंटा 50 मिनट हो चुके हैं। बेलापुर BAP है इसका स्टेशन कोड, 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, बेसिकली पुणे से मनमार सेक्शन के बीच में आता है, लेकिन मेन स्टेशन तो अहमदनगर है और डिस्ट्रिक्ट भी अहमदनगर में आता है। बेसिकली ये श्री रामपुरा तहसील में आता है, वो आई थिंक उसी डिस्ट्रिक्ट में अहमदनगर में ही। अहमदनगर की तरह ही मैंने यहाँ पे भी देखा है कि TT स्टाफ यहाँ पे भी पर आगे चल के टिकट चेक कर रहे, जो यहाँ से पीछे को जा रहे थे अभी उतर के, ये मेरे को एक मतलब है यहाँ पे काफ़ी चेकिंग ना तगड़ी। चलो भाई अब बेलापुर भी निकल गया, अब सीधा कोपर गांव फिर मनमाड। तो चलो यार अभी तो 2:35 हो रहे हैं, अभी जाके अपना Day 2 का लंच कर रहा हूँ इस गोवा एक्सप्रेस में। वैसे तो मैं पहला ही लंच कर रहा हूँ इसमें, यार इतना लेट करना पड़ रहा क्योंकि यार वो एक तो पेंट्री वाला ना बार बार भूल जा रहा था ऑर्डर मेरा, उसको याद दिलाया मैंने जाके तो जाके मेरा अभी भी, वो भी मैं खुद लेकर आया हूँ पेंट्री से जाके, तो वो तो भूल ही चुका था, और वो भी उसमें मतलब रुका था कि रोटी कम पड़ गई है इस वजह से लेट हो गया, पता नहीं क्या कह रहा था यार। एक तो ना वो बंदा बार बार एक इधर आ रहा है यहाँ से वापस गया था मेरे को देख के, पता नहीं क्या हो रहा है, वो भूल रहा है यार वो बंदा कुछ ना कुछ। चलो अब जो भी है यार खाना तो है ही है। चलो मैंने अभी खोल के थोड़ा टेस्ट करके देखा, देखो दाल का तो मतलब मेरे को कल से भी थोड़ी पतली सी लग रही है, लेकिन है खाने में ठीक ठाक। और ये मुझे कल तो आलू मटर दिए थे, अब तो लग रहा है ऐसे सूखे आलू बनाए हुए, सूखे नहीं कहूँगा,
थोड़े ऐसे ऐसे मतलब बीच बीच में थोड़ी ये पता नहीं क्या दूसरी सब्जी मिक्स करके मेरे को पता नहीं लग रहा अब ये है क्या, लेकिन है सब कुछ ठंडा। और चावल इन लोगों ने इस बार प्लेन नहीं दिए, इस बार मुझे लगता है वेज बिरयानी वाले चावल डाल दिए इन्होंने मेरे को, तो ऐसा कुछ नहीं। पुलाव वगैरह जो बने होंगे इनके, इन्होंने आई थिंक नॉर्मल चावल बनाए नहीं, यही वाले बनाए तो यही डाल दिए मेरे को। बाकी अचार है और दो पराठे है, दो ही मेरे पहले बोल रहे थे कि तीन नहीं है, दो ही हैं। मैंने कहा चलो दो तो दो यार। तो चलो जी अभी 3:20 के करीब टाइम हो रहा है, अब जाके कहीं कोपर गाँव पहुँच रही है गाड़ी। 6 घंटा तो इसका एवरेज डिले है ही है यार अभी भी। यही है भाई KPG कोपर गाँव, और अहमदनगर की तरह ही इसका भी प्लेटफॉर्म पीछे से वाइड है, इस साइड से नैरो है आगे साइड में। यही KPG कोपर गांव, लास्ट टाइम भी जब मैंने आई थिंक इस रेलवे स्टेशन को कवर किया होगा तो वो मुझे लगता है इसी ट्रेन में कवर किया होगा। मैंने ये ट्रेन 2021 अक्टूबर के एंड में की थी, उस टाइम पे ICS चलती थी, तब मैंने एंड टू एंड की थी, वो दूधसागर देखा था, लेकिन वो पुरानी वीडियो है ना, वो उसमें वीडियो क्वालिटी भी इतना सही नहीं आया। उसके बाद अभी आया हूँ मैं। अगर हम दूधसागर वाटरफॉल होकर आते ना इसके रेगुलर रूट से, तो अभी तक हमने 825 या 826 किलोमीटर कवर करना था, लेकिन डाइवर्ट होकर ये तो पता कितना कवर हुआ अभी तक, अभी तक कुछ 959 किलोमीटर कवर किया, 959 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिया वाया रत्नागिरी वाले रूट से। इतना मतलब 100 किलोमीटर से ऊपर डिफरेंस आ रहा है। और कोपर गाँव बेसिकली आप लोग ना यहाँ से शाहीनगर शिरडी जा सकते हो, यहाँ से बस 15 किलोमीटर है शिरडी, और जो शिरडी वाली वंदे भारत भी जाती है वो भी यहीं से होकर, एक पिछला स्टेशन एक जंक्शन था वहाँ से शिरडी वाला रूट अलग हो जाता है। आई थिंक मुझे भी याद है एक बार मैं भी शिरडी में गया था, लेकिन हम लोग ना उस टाइम पे मनमार से टैक्सी करा कर गए थे, और काफ़ी टाइम पहले की बात है, 10-12 साल हो गए, 2012 की बात है, तब मैं नांदेड़ आए थे, फिर वापसी में मनमार स्टे किया था हमने 2 दिन में फैमिली के साथ उस टाइम पे, तो फिर टैक्सी करके शिरडी गए थे। हम लोगों को उस टाइम पे पता नहीं था कि शिरडी भी ऐसी ट्रेन जाएगी है, अब तो चलो सब कुछ मोबाइल पे ही है। चलो यार सिग्नल भी हो गया इसका, आगे मैंने देखा एक रेहड़ी लगी हुई जिस पे वड़ा पाव मिल रहा है, और पानी की बोतलें भी रखी हैं, और सारी रेल नीर की बोतलें हैं यहाँ पे। चलो ये सही है, चलो पीछे ही चलता हूँ। कोपर गाँव तो गया, वहाँ लिखा भी है अलाइड हेयर फॉर शिरडी, शिरडी के लिए यहाँ उतरी है। यहाँ अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन शिरडी के लिए नहीं मिलती तो आपकी ट्रेन अगर कोपर गाँव आ रही है तो कोपर गाँव से जा सकते हो। इवन यहाँ भी अगर आपकी गाड़ी नहीं रुकती है तो आप अहमदनगर को प्रेफर कर सकते हो, अहमदनगर से फिर यहाँ बाय रोड आ सकते हो आप। ओ भाई होमकिंग क्या दे रहा है यार। बाकी गाड़ी अभी अपनी अंकारी स्टेशन को स्किप कर रही है, मनमार ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 किलोमीटर होगा यहाँ से। और ऊपर से मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, मजा आ गया यार, ऊपर से होमकिंग दे रहा है, जो पूरा P7 वाला फील आ रहा है, लग ही नहीं रहा है F4 लगा इसको। यहाँ ये वाले जो हिल्स देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं यार मेरे को देखने में, मज़ा आता है यार इनको देख के, खासकर ऐसे मौसम में। आप देख रहे हो ना यहाँ, वो तीसरी वाली वो हजूर साहब नांदेड़ से आगे मिलती है यहाँ पे, वाया औरंगाबाद संभाजी नगर साइड, देखो वो उस साइड से आ रही है, लेकिन वो मनमार के दूसरे एंड से आ रही है। वाह वो निकल गई है, जो सचखंड एक्सप्रेस वहीं से जाती है। क्या व्यू पॉइंट है यार यहाँ का,
तो बारिश हो नहीं रही, लेकिन आगे अगर देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कि आगे हिल्स पे बारिश हो रही है। बाकी चलो अभी 3:55 हो रहे हैं, गाड़ी एंटर कर रही है मनमाड़ जंक्शन पे, और ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये वही मुंबई से आ रही नासिक होते हुए, कल्याण नासिक होते हुए ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगी। चलो जी 4 बजने को आ रहे हैं और 5 घंटा 33 मिनट डिले से गाड़ी अब मनमाड़ जंक्शन पे एंटर कर रही है। आधा घंटा कवर किया है, नहीं तो पीछे कोपर गाँव पर तो 6 घंटे के करीब लेट थी ये गाड़ी। मनमाड़ जंक्शन यार, आमतौर पे वैसे गाड़ी उस साइड पे आती है वो वाले प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वहाँ पे आई नहीं है, ये इस साइड वाले प्लेटफॉर्म पे आई है। चलो आ गई भैया मनमाड़ पे, MMR स्टेशन घोड़ा इसका, यानी हम लोग कल 4:40 पे निकले थे, अभी 4 बज रहे हैं, तो हम लोगों को मान के चलो 23.5 घंटा मान लो एवरेज इतना हुआ है। इतने में हमने 992 किलोमीटर ट्रैवल किया है मटगाँव से यहाँ तक। और मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ यार यहाँ पे ना आपको सस्ती खाने पीने की चीज़ बहुत सी मिल जाएंगी, और इवन खाने पीने की बहुत वैरायटी मिलेगी। मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे उस साइड पे, तो जैसे यहाँ पे अनार बहुत फेमस है, 10-10 रुपये में ना आपको छीला हुआ अनार मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 100 रुपये के 2 पैकेट किशमिश के जैसे ये बेच रहे वो मिल जाते। इवन यही सेम पैकेट ना आपको अभी 1 घंटा पहले ट्रेन में भी वेंडर सारे से बेचने, वो 120 के 2 बेचे थे, यहाँ 100 के 2 मिल रहे हैं अनार। तो चलो आप ऐसे भी यहाँ से ले जा सकते हो बिना छिले हुए, और छिले हुए भी आपको मिल जाएंगे, यही वाले मैं बोल रहा था जो छिले हुए रखे हैं 10 रुपये पैकेट के हिसाब से, और वड़ा पाव तो कॉमन ही है, बाकी बनाना मिल रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सी चीज़ें यहाँ उस साइड पे आपको भेलपूरी मिल रही थी, और पीछे साइड पर पकौड़ियाँ भी मिल जाएंगी आपको, बहुत से ऑप्शन हैं। बाकी मेरी गाड़ी तो चलो 6 नंबर पे आई थी, और अभी 5 नंबर पे कर्नाटका एक्सप्रेस भी आ चुकी है। यार ये लोकोमोटिव की लिवरी बहुत अच्छी रखते हैं ना, कैसे एडवर्टाइजमेंट किया हुआ फुटबॉल वाला, एंट्री ऑफ सेटिंग लाइट, ये बढ़िया लगता है टाटा वाला। कर्नाटका एक्सप्रेस अभी यहाँ आ रही है, कभी इसका भी जर्नी करूँगा यार। मैंने देखा है मनमाड़ से ही हमारी ट्रेन का जो TT स्टाफ, ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट ये चेंज हो रहे हैं, पुणे से यहाँ तक अलग थे, अभी यहाँ से आई थिंक भुसावल तक यही जाएंगे। बाकी मनमाड़ जो है आता नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही है, अभी नासिक भी यहाँ से 40-50 किलोमीटर उस साइड पे, नासिक डिस्ट्रिक्ट ही बहुत बड़ा है। अब मान के चलो आपको नासिक, मैंने किसी से सुना था नासिक अगर आपको पूरा नासिक घूमना है तो आपको कम से कम 8 से 9 दिन चाहिए, ये भी तब भी आप पूरा नहीं घूम पाओगे, तभी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रह जाएंगी उसमें। अपनी तो निकल गई थी, अब देखने वाली बात ये रहती है कि ये 130 पिक करती है कि नहीं करेगी, वैसे तो कर ही लेगी जहाँ तक मुझे लगता है, पीछे हम वाला हॉन्क मिल रहा है तो फिर उसकी स्पीड भी मिल ही जाएगी इसको आराम से। मनमाड़ ये वाला जो ट्रैक देख रहे हो ना, ये बिल्कुल राइट साइड में जो निकल रहा है ये भाई नांदेड़ चला जाता है, अकोला हो गए, जो अंकई फोर्ट से आगे चल के अलग हुआ था ना ट्रैक, वो यही वाला था, यहाँ से घूम के ऐसे वही अंकई फोर्ट से होके फिर मतलब वहाँ से मिलता नहीं है, वहीं से जाता है। और सचखंड एक्सप्रेस भी अभी मैंने देखा बाहर ही खड़ी होगी इसके, अंकई फोर्ट वो निकली हुई है 15 मिनट से। जिस टाइम का मैं पुणे से वेट कर रहा था अभी वो टाइम आ चुका है, यानी गाड़ी अब 130 पे पूरा चल रही है, और नंदगांव के पहले भी कुछ टाइम के लिए आई थी 128 तक आई थी, उसके बाद फिर स्लो हुआ था नंदगांव को उस पर हॉल्ट करना था, अभी 130 पे आई है भाई, अब बढ़िया लग रहा है यार। अब थोड़ी उम्मीद है कि ये शायद थोड़ा बहुत टाइम कवर कर जाए। और एक चीज़ मैंने और देखी है, इसके आगे चल रही है मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, और उससे आगे चल रही है अपनी यशवंतपुर वाली वो संपर्क क्रांति, तो मेरे को लग रहा है कि शायद हम लोग उसको ओवरटेक मार सकते हैं, अगर मुंबई हावड़ा भी उसको ओवरटेक मार जाए, अभी ना वो तो अभी काफ़ी आगे, वो तो 40 गांव भी पार कर चुकी है कब की, तो देखते हैं भुसावल से पहले हम लोग तो उसको ओवरटेक मारते कि नहीं मारते। ओ यार यार हॉन्क दे रहा है,
फ्लैट 130 चल रही है गाड़ी यार अपनी। चल है देखो भाई, पूरी 130 है भाई गाड़ी, फ्लैट 130। शाम के 6 तो बज चुके हैं, कुछ ऐसा ही है अभी तक इंटीरियर इस गाड़ी का, और खाली खाली सा ही है अभी तक भी, कल से अब तक खाली खाली सा ही लग रहा है, और 24 घंटे से ऊपर टाइम तो हो ही चुका है हमको। पेंट्री से ये फिर से वड़ा पाव ले लिया है, कल शाम भी यही खाया था, अभी यही खा रहा हूँ यार। और उसका एक रीज़न भी है ना, क्योंकि मैं अंदर से ये सोच रहा हूँ ना, क्योंकि वड़ा पाव अगली बार खाने को तो मेरे को तब मिलेगा ना जब मैं नेक्स्ट टाइम कभी महाराष्ट्र साइड आऊँगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जितना मिल रहा है अभी खा ही लेता हूँ, उसके बाद कहाँ नसीब में होगा। शाम के हो रहे हैं 6:20 और 6 घंटा 8 मिनट ही अभी भी डिले है, अब पहुंच रही है ये गाड़ी जलगांव। बाय जलगांव। और चाय समोसा तो यहाँ पे भी नॉर्मल मिल रहा है, आगे वाली साइड में मैंने देखा है बनाना वाला स्टॉल भी है, और वो तो चलो यहाँ पे तो कॉमन ही होने वाले हैं, क्योंकि जलगांव तो मतलब ये महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का, और कॉटन का भी, ऐसे तो मेन बनाना का देखा जाता है, और इवन ऑल ओवर इंडिया और कई बाहर की कंट्रीज में भी जो बनाना एक्सपोर्ट किया जाता है वो यहीं से महाराष्ट्र के इसी एरिया से किए जाते हैं। आगे भुसावल आएगा वहाँ भी बनाना वगैरह का स्टॉल मिलेंगे, बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट तो जलगांव में ही आता है, और यही द गोल्डन सिटी ऑफ महाराष्ट्र बोला जाता है, क्योंकि गोल्डन गोल्ड का जो कारोबार है वो यहीं पर हुआ जाता है, प्योर ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड का प्योरेस्ट एक फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी उसके सौदे होते हैं गोल्ड के। वैसे हमको 25 घंटा और 40 मिनट हो गए मडगांव से निकले हुए, अभी तक हमने 1152 किलोमीटर कवर किया है। वैसे मनमार से लेकर अब तक हमारा 160 किलोमीटर का कोई नॉन स्टॉप रन था, और हमको 2 घंटे लग गए हैं, और फिर भी लेकिन 130 के हिसाब से तो कम है। हाँ लेकिन 130 से ज़्यादा है एक्चुअली, मैंने ये 130 आई तो है लेकिन पूरे रास्ते नहीं आ रही थी, बीच बीच में कम हो रही थी, ज़्यादा स्टेबल ये 120 पे ही हो रही थी, और 130 पे आई है लेकिन धीरे तुरंत हो रही थी, 2-3 मिनट टिकती है फिर नीचे आ जाती थी। चलो अब अगला भुसावल ही है यार, सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन दिया हुआ है आगे। तो चलो जी लगभग 7:45 हो रहे हैं, 5 घंटा 47 मिनट डिले से भुसावल आई है गाड़ी। चलो डॉगी इस साइड पे हजूर साहेब नांदेड़ श्री गंगानगर खड़ी है ये, वाया आई थिंक वहाँ से जाएगी ना ये अहमदाबाद से जाएगी यार, ये हजूर साहेब नांदेड़ श्री गंगानगर वाली है यार। अब भुसावल तो पहुँच गई है, ये तो शुक्र है कि दौड़ती है, इसको बीच में कोई ओवरटेक पड़ा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। बाकी मेरे को लगा था ये हजूर साहेब से श्री गंगानगर है, लेकिन ये एक्चुअली में श्री गंगानगर से हजूर साहेब नांदेड़ की ओर जा रही है, और एक्चुअली में पीछे हमारे सचखंड भी है, वो अभी जलगांव खड़ी है, तो हो सकता है रातों रात अगर ये ज़्यादा क्रॉल करेगी तो वो इसको ओवरटेक मार सकती है। वैसे तो उससे काफ़ी पीछे सिया राजधानी भी है, सिया राजधानी तो मारेगी मारेगी, इतना तो गारंटी है। जंक्शन पर आपको वेज पुलाव मिल जाएगा, चाय वगैरह तो कॉमन ही है, और यहाँ का फेमस बनाना तो चलो रहते रहते हर बार आपको 24/7 मिल ही जाएंगे। और आगे साइड में छोटे मोटे स्टॉल हैं, वो वहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से वड़ा पाव होगा, बाकी छोटी मोटी चीज़ें होंगी इस साइड पे। ये तो शुक्र है कि इस बार गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर है यार, एक्चुअली में होता हर टाइम गलत है, जब मेरे को अब मैंने खा पी लिया सब कुछ, अब मेरी गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर आई है जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। जब मैं पिछली बार आया था सुविधा में पटना से मुंबई वाली, मुंबई से पटना वाली में, तब गाड़ी उस प्लेटफॉर्म पर आई थी, इससे भी पिछले वाले में, वहाँ पर कुछ अवेलेबल नहीं था यार।
चलो बाकी इस साइड पे तो समोसे हैं, बड़ा पाव तो है ही है, पुलाव है भाई, और खाना पैक अंडा बिरयानी भी है इस साइड पे पैक्ड मिल जाएगा आपको, और छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत मिल जाएगी यार। मेरे को पहले पहले लग रहा था कि हमारी गाड़ी ना उसको ओवरटेक मार सकती है कर्नाटका संपर्क आगे, लेकिन चांसेस कम है अब, क्योंकि उसका टाइम अराइवल टाइम निज़ामुद्दीन पे ही 11:30 के आसपास है, तो इसका तो वैसे पता नहीं, इसको तो और लेट भी कर सकते, बाकी रातों रात में पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि आगे चल कर तो ट्रैफिक और बढ़ जाएगा इटारसी के बाद जाके, तब पता चलेगा। मुझे पता नहीं, ऐसा ही लग रहा है, इटारसी तक तो ये गाड़ी अपनी ठीक चलेगी, इटारसी के बाद पता चलेगा कितना पानी में रहती है, मतलब पंचुअल रहती है, पंचुअल तो चलो कहाँ ही रहेगी अब ये गाड़ी, मतलब कितना कवर कर पाती है ये कह सकता हूँ मैं इसको। देखो भाई कहाँ 70 रुपये दर्जन केले थे अहमदनगर पे, कहाँ यहाँ भुसावल पे आके 40 रुपये के 12 मिलते हैं आपको, फ़र्क देखो कितना है। चलो यार मैंने भी 12 लेके रखी नहीं है, काम आएंगे रास्ते में। चलो भुसावल भी गया, अब अगला स्टॉप सीधा खांडवा है, लगभग 125 किलोमीटर बाद है। चलो बाकी ये भुसावल अब हमारा लास्ट हॉल्ट था महाराष्ट्र में, इसके बाद अगला हॉल्ट सीधा एमपी में होगा हमारा। बेसिकली पिछले 24-25 घंटों से तो हम महाराष्ट्र स्टेट में घूम रहे, बस एक गोवा ही था जो मडगांव ही था बेसिकली, जो हमारा गोवा स्टेट में था, उसके बाद आधे पौने घंटे बाद तो महाराष्ट्र स्टेट में आ चुके थे। कानपुर पूरा 110 पे जा रही है, रात के हो रहे हैं 8:15, और अभी आएगा खांडवा कुछ 15-20 किलोमीटर है यहाँ से आ जाएगा, और बुरहानपुर तो निकल गया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से गाड़ी भुसावल से निकली है तब से एक बार भी 130 आया नहीं, आई थिंक मुझे लगता है वो जो घाट सेक्शन भी आता है ना बुरहानपुर के बाद छोटा सा एक आता है, तो उस वजह से हो सकता है ये वाला रूट में मुझे लगता है 130 अभी नहीं आएगा, हाँ खांडवा के बाद हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल जब मैंने सिया राजधानी की थी ना, जब मैंने पहली बार की थी पिछले साल, तो उस टाइम पर भी तब वो रूट पूरा 130 नहीं था, तब भुसावल मतलब खांडवा से लेकर निज़ामुद्दीन तक 130 था, खांडवा से सीएससी 110 तक ही था। फिलहाल रात के 8:26 हो रहे हैं, गाड़ी तकरीबन जो है 5.5 घंटा लेट है, अभी पहुंच रही है खांडवा जंक्शन पे। ये यार खांडवा तो कोच यहाँ पे बहुत भीड़ सी हो गई है ना वहाँ पे, क्योंकि जर्नल एक साइड पे है, मेरे को अब जाके कुछ ऐसा दिखना शुरू हुआ है जर्नल कोच में पीछे से लोग अभी भागते हुए आ रहे हैं, आई थिंक अब मुझे लगता है इसका भरना शुरू हो जाएगा अब स्लीपर का, तो स्लीपर का तो नहीं होगा मुझे लगता, अभी जर्नल का यहाँ से भीड़ भाड़ वाला सिलसिला चालू हो जाएगा, स्लीपर तो अभी भी मतलब ठीक ठाक ऑक्यूपाइड है। और मडगांव से निकले हुए हमको 27:50 हो चुके हैं, लगभग 28 घंटे ही होने वाले हैं, अभी तक इस गाड़ी ने कुछ 1315 किलोमीटर कवर किया है, जो घूम के रूट आया उसकी बात कर रहा हूँ। भुसावल से तो अब तक दौड़ती आई है, बीच में एक बार स्लो हुई थी एक दो बार, फिर नहीं तो फुल स्पीड पर ही आई उसके बाद तो। वैसे खांडवा से आप लोग ओमकालेश्वर जा सकते हो, लेकिन यहाँ से दूर है एक्चुअली, मैं यहाँ से बाय रोड जाना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, एक स्टेशन है छोटा सा वो मैं नाम भूल गया, वो सबसे नज़दीक है, लेकिन वहाँ तक कोई ट्रेन जाती नहीं है, अगर आपको जाना चाहते हो खांडवा से तो यहाँ से बाय रोड 70 किलोमीटर पड़ेगा आपको ओमकालेश्वर। यहाँ तो मुश्किल से 2 मिनट ही रुकी थी, चलो अच्छी बात है इतना ही रुके, मैं तो कहता हूँ अब ये बस दौड़ती रहे गाड़ी, हरदा भी जल्दी जल्दी आ जाए, बस कवर कर जाए। बाकी जैसे गाड़ी खांडवा से निकली थी, ट्रेन के पेंट्री वाले भैया मेरे को रात का डिनर पकड़ा गया था, ये मैंने पहले ही ऑर्डर किया हुआ था, इनको स्टैंडर्ड मील ही है, और यही है कल रात को भी ऐसा ही कुछ मिला था, आज रात का डे टू का भी कुछ ऐसा ही मिला, लेकिन मेरे को ये थोड़ी नरम लग रही है क्योंकि कल वाली थोड़ी हार्ड थी, ये आई थिंक रोटी दी है इन्होंने, परांठे नहीं दिए, चलो अच्छा कि ये मुझे लगता है ये बाहर से इन्होंने मंगवाए होंगे, क्योंकि अगर ये पेंट्री में बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसे ही बनते हैं इनसे, बाकी चलो जो भी है इसको तो साइड में रखता हूँ अभी, पहले इसको खोल के देखता हूँ। वैसे यही कुछ है यार, दाल तो मुझे लगता है कल से भी मुझे लगता है थिकनेस इसकी है नहीं इतनी, चलो बस क्वांटिटी भी कम कर दी यार ऊपर से इन्होंने, यार देखो सब्जी की भी क्वांटिटी नहीं तो कल ऊपर तक भरी हुई थी, आज इन लोगों ने इतना भरा नहीं है, वही आलू की सूखी सब्जी है, सूखी भी कह लो थोड़ा थोड़ा, इसमें रोगन कह लो है, बाकी तो कुछ खास नहीं है, और चावल इस बार प्लेन दिए इन्होंने, और बाकी तो वही यार
रोटियाँ मिली हैं। चलो ये अच्छा है और साथ में पिकल मिला। चलो ये तो मैं वैसे भी यूज़ करता नहीं हूँ। क्या यह आज सेकेंड डे रात का मेरा डिनर। और चलो अब इतना ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि वैसे भी सब्जी ख़त्म पड़ गई है। और अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर होती भी तो भी मेरे से कौन सा खाओ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खा लेता, चावल तो मैं वैसे भी नहीं खाना। ये भी मैं इसी पॉलिथीन में डाल के रख लूँगा, कल यहाँ अगर रात को कोई सीखना है तो किसी गाय भैंस आई उसी को डाल दूँगा। आप भी ऐसा कर लिया करो, खाना अगर बच जाए फेंका मत करो, खास करके चावल वगैरह आते हैं एक पन्नी में जो मिलती है ना आपको, ये यहाँ अलग से कोई कंटेनर उसमें रख लिया करो। तो चलो जी अभी तो 9:36 हो रहे हैं और 5:26 डिले से गाड़ी हरदा पहुंच रही है अभी, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। देख लो यार शाम 4 के करीब इसका टाइम था और 9:38 हो गए हैं अभी, हरदा पहुंच रही है गाड़ी। अब यार मैं तो मतलब थक गया हूँ यार अभी इसमें बैठ बैठ के, मन ही नहीं कर रहा है गाड़ी में। ऐसा होता है कि ट्रेन में सफ़र करने में मज़ा आता है लेकिन जब गाड़ी लेट होती है ना तब वो फील नहीं रहता यार पूरा वो पहले वाला। चलो जो भी है अभी हरदा पहुंची है, बेसिकली एमपी में ही हरदा एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी का ही, साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश का ही पार्ट है ये, इसको हरिद्या नगरी भी बोलते हैं दूसरा नाम इसका ये है। इसके लिए एक प्रीडोमिनेंटरी एक ट्राइबल एरिया भी है एमपी का, यहाँ पे कोरुकू और गोंड वाली दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का यहाँ पे है, तो उसको उस वजह से थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है अभी। चलो यार अब हरदा से भी निकल गए थे, मेन पे आइए ना एक तो अभी एकदम से एक्सेलरेट करेगी फिर। हरदा सो भाई सुबह के हो रहे 5:27, शिरूला पे इसको लूप पे डाल दिया है क्योंकि पीछे से वो मेरे को लाइट दिखनी शुरू हो गई है, सियारा आसानी लगी हुई है। और क्योंकि उसमें ना एक एक्चुअली में मेरे नोन पर्सन है पीयूष चौरसिया, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, आपने उनको देखा भी होगा, वो ऑन बोर्ड है, मेरी उनसे अभी बात हुई है, वो उसमें ऑन बोर्ड है, मेरे को कैप्चर करेंगे मैं उनको दिखा रहा हूँ। अब पता नहीं वो तो दिख नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो 1:30 पे निकलेंगे, लेट्स सी। थोड़ा नर्वस हूँ यार, अभी 15-20 पहले मेरी नींद खुली थी यार। बाकी चलो आ गई भैया सिया राजधानी, ओवरटेक मारने जा रही है हमको यार। ओ भाई यार वो गए थे यार टैंक ऑफ पार कर रहे क्या भाई। ओ भाई ये भी पेंट ऑफ पार्क देखने वाला था। गजब। चलो अगर हमारी गाड़ी वैसे इसके पीछे रही तो उनको जाके मिल भी सकता हूँ मैं निजामुद्दीन पे, देखने वाली बात है, अभी पीछे चलता हूँ। तो चलो जी यार सुबह के तो अभी 7 से भी ऊपर टाइम हो गया, गाड़ी अब जाके कहीं ग्वालियर जंक्शन पे पहुंच रही है यार। तीन नंबर पे ही आई है, अभी मैंने देखा 2 से आगे श्रीधाम निकली है, हो सकता है आगे चल के उसको पीछे कर दें क्योंकि वो 110 पे जाएगी। अरे यार अभी तो 7:05 हो रहे, ग्वालियर आके रुकी है यार। यार जब इसको सिया राजधानी से ओवरटेक पड़ा था तब ये गाड़ी 5:30 ही लेट थी, 5:40, अब ये गाड़ी 6:42-45 लेट चल रही है, और लेट हो रही है गाड़ी यार। चलो यार अब क्या ही कर सकता हूँ, अब तो मन में एक ही चीज़ बिठा ली है कि अब अमृतसर इंटरसिटी ही मिलेगी, वो भी अगर ये इतना ही लेट रही है, अगर इससे ज़्यादा और होती है तो हो सकता है वो भी निकल जाए मेरी, देखते हैं बाकी क्या बनता है यार। देखो मडगांव से हम लोग परसों शाम को 4:40 पे चले थे, अभी 7:05 हो रहे सुबह के, आप लगभग मान लो हमारे को 38 और 20-25 इतना हुआ है, और अभी तक इस गाड़ी ने 1,970-1,980 इतना कुछ 38 और 25 हमको मडगांव से ग्वालियर तक लगे हैं। और वैसे एक्चुअल में इसकी फुल जर्नी वास्को से निजामुद्दीन की 39 और 25 की है, देख लो यार क्या बन रहा है अभी। बाकी चलो 2 रुकने के बाद सिग्नल भी इसको दे दिया गया है, सही है यार चलती रहे बस ये गाड़ी।
सुबह फिलहाल तो भैया 8 तो बज ही चुके हैं और बाहर देखोगे तो अभी बारिश हो रही है, इसलिए विंडो भी अभी बंद ही करके रखी हुई, तो पानी जो है ना अंदर को आ रहा था, यहाँ भी गीला गीला हो चुका है। अभी ये कुछ माहौल चल रहा है, अभी तो कोच भी अभी खाली पड़ा है यार। वैसे तो आगरा से हो सकता है कि भर जाए, वैसे तो लोग अभी उतर ही रहे हैं, इसमें चढ़ कोई नहीं रहा। तो भाई मैं वैसे तैयार होकर आया था, अभी गुआरा निकले को तो हो चुका है आधा घंटा, अभी रुक रुक के चल रही थी, बीच में क्रॉल कर रही थी थोड़ा सा। और मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, जैसे तो इसका अभी day 3 चल रहा है, तो अब तक तो इसको निजामुद्दीन पहुँचना था, लेकिन पेंट्री से ना अभी भी कोई खाने पीने के लिए कुछ देने ब्रेड कटलेट वगैरह बैठ रहा, मेरे कोई बेचना वेंडर दिखा नहीं, मेरे को चाय वाले आ रहे हैं लेकिन ऐसे खाने पीने का कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगता शायद बना नहीं होगा, बाकी एक बार चक्कर लगाऊंगा पेंट्री कार में कि क्या सीन है, हो सकता है कि शायद बना रहे हों, अभी लेट हो गया हो इनको। साइड पे देखो हम लोग अभी आगरा कैंट से पीछे धौलपुरी निकला अभी, और यहाँ पे देखो पानी पानी हो गया सारा। तो चलो यार अभी तो 8:20 हो रहे हैं, अभी धौलपुर निकला ही है, और पेंट्री से बेचने आए थे वेंडर वगैरह, पोहा उपमा और ब्रेड ऑमलेट आई थिंक मिल रहा है, लेकिन कटलेट अभी फिलहाल पे अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बोला कटलेट नहीं मिल पाएगा अभी। तो यही है, तो मैंने अभी अभी उपमा लिया, तो यही खाना पड़ेगा अभी मेरे को। और लेकिन नीचे से हाथ लगा है बिल्कुल गर्म गर्म है, एक्चुअली में इनको अभी आने में लेट होगा थोड़ा सा, नहीं तो ये तो 7:30 में सही चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, अभी 8:20 हो गए। चलो जो भी है यार, कुछ खाने को तो मिल रहा है, लेकिन 50 का मिला है जो, मैंने कहा छोड़ो क्या करना, अभी खाने से मतलब रखो अभी जो भी मिल रहा है। ये भाई वेज उपमा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो चलो जी अभी तो 8:48 हो रहे हैं, अब जाके भी 5 घंटे और 30 मिनट डिले से गाड़ी आगरा कैंट पहुंच रही है यार। बाकी सामने लगी हुई है गाजीपुर से बांद्रा टर्मिनल जाने वाली एक्सप्रेस, गाजीपुर बांद्रा आ गया आगरा कैंट भी। यार आगरा कैंट आगे खड़ी हुई है, लेकिन मैंने देखा यहाँ से काफ़ी लोग चढ़ने वाले हैं, इसमें पीछे स्लीपर में भी चढ़ रहे हैं और जनरल में तो काफ़ी लोग अभी भागते हुए आगे साइड में गए हैं। और यार मैं मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ, कभी कभी ट्रेन उम्मीद जगा देती है कि कवर कर रही है मतलब बना टाइम, कभी कभी ये और डिले हो जाती है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कवर कर रही है या और डिले हो रही है। 5.5 घंटा तो इसका एवरेज रह ही रहा है अब, जब से ये मतलब आई थिंक कल जब से मनमार से पहुंची है वहाँ, तब से इसका 5.5 घंटा ही है। तो अभी तो इसको रुके हुए 1 मिनट हुआ होगा मुश्किल से, सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है इस गाड़ी को चलने के लिए। चलो अपनी तो आगरा कैंट से निकल ही गई थी गाड़ी, साथ ही में गाजीपुर बांद्रा भी साथ ही में निकली है। चलो एक पैलर एक्शन तो मिला साथ में, वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, इसका रूट यहीं से कट जाएगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगी लेफ्ट साइड बयाना जंक्शन साइड निकल जाएगी, वहाँ से फिर मेन रोड कोटा वाला मिल जाएगा इसको। चलो
भैया वो तो जा रही है अपने रास्ते, हम लोग यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया हम लोग अपने रास्ते। चलो जी अभी 9:43 हो रहे हैं, 5.5 घंटे से तो ऊपर ही डिले है, अभी मथुरा पहुंची है और यहाँ पे हाथ ज़्यादातर ट्रेन लगभग खाली ही हो चुकी है, लेकिन चढ़ने वाले भी हैं यार यहाँ से। मथुरा दिल्ली रूट बहुत बिजी है यार, यहाँ पे पब्लिक आती जाती बहुत है ना। एक तो यही है MTJ मथुरा यार, यहाँ आने से पहले लग रहा था काफ़ी तेज़ बारिश होके हटी होगी यहाँ पे। एक तो रास्ते में भी पहले हो रही थी ना, ग्वालियर से पहले पहले भी, बाकी मौसम तो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। अरे यार यही है सेकेंड लास्ट स्टॉप इसका, अब सीधा निज़ामुद्दीन ही है। सुबह 4 बजे का टाइम था इसका यहाँ पे मथुरा पे, और लेकिन इसको मथुरा से निज़ामुद्दीन के बीच में स्लैग दिया हुआ है थोड़ा, क्योंकि एक तो होता है ना सेकेंड लास्ट स्टेशन लास्ट स्टॉप के बीच में स्लैग ज़्यादा होता है गाड़ियों में, ताकि कवर कर जाए, और थोड़ा लगता है कि जाके आधा घंटा तो कवर कर ही जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। अगर दौड़ती रही फिर तो पूरा 1 घंटा भी कवर कर सकती है, देखने वाली बात है क्या होता है इसका। यही मथुरा MTJ, यहाँ से आप वृंदावन जा सकते हो, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। अभी तो चलो अगले महीने जन्माष्टमी भी है तो वैसे ही बहुत भीड़ हो जानी है यहाँ पे। चलो यार हो ही गया होंक, अच्छा ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। एक्चुअल में यार मैं लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ AP एक्सप्रेस की, वो तो मतलब काफ़ी आगे जा चुकी है। मतलब AP एक्सप्रेस का क्या हुआ था, मेरी रात के 12:45 के करीब ये भोपाल पहुँची थी, तो 3 नंबर पे AP भी लगी हुई थी, ये बाद में अराइवल हुआ, तो वो हमारे से 5 मिनट पहले निकली और आगे आगे ही रही थी, लेकिन वो कर्नाटक संपर्क क्रांति को ओवरटेक करके बहुत आगे जा चुकी है। अब तो वो आई थिंक कोसीकला के आसपास भी पहुँच गई होगी, और यहाँ पे हीराकुड एक्सप्रेस आ रही है अमृतसर से भी, विशाखापट्टनम जा रही है ये गाड़ी यार, करने वाली है यार ये गाड़ी करूँगा। सॉरी ये गाड़ी एक्चुअली में निज़ामुद्दीन है, थोड़ी यशवंतपुर वाली ना संपर्क क्रांति है, अजहर निज़ामुद्दीन से यशवंतपुर, हीराकुड भी पीछे ही है इसके। और अभी मैं दोबारा लोकेशन चेक कर रहा था तो कर्नाटका संपर्क क्रांति आगे चल रही है, वो कोसीकला से पीछे है अभी थोड़ा सा, तो मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि यार ये ना उसको पैलर ओवरटेक कर दे, साथ में पैलर मिल जाए, ये उससे थोड़ा पहले पहुँचा था कि मेरे को ना अम्बाला तक तो वो गाड़ी मिल जाए, नहीं तो फिर मेरे को सचखंड पीछे मिलेगी, उसमें भीड़ बहुत है, हार के मेरे को अमृतसर इंटरसिटी पकड़नी पड़ेगी, उससे मैं 8 बजे घर पहुँचूंगा यार अपने, इससे कम से कम अम्बाला पहुँच जाऊँगा कि जो संपर्क क्रांति जा रही है उसमें सीट भी मिल जाएगी मेरे को। बाकी लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट कि यही हो यार, ऐसा कुछ हो जाए, ये 130 पकड़ ले यहाँ से और उसको पीछे कर दे आगे चल के। वैसे यार एक बात तो है, अभी तक देखा जाए तो अभी तक के सफर में, मतलब अभी तक क्या, अभी तो बचा ही कितना है, 70-80 किलोमीटर होगा यहाँ से निज़ामुद्दीन, और अभी तक के इस पूरे सफ़र में मडगांव से लेकर अब तक मेरे कोच में तो मैं ही हूँ अकेला जो अब तक इस कोच में हूँ, यानी आखिर तक जा रहा हूँ मडगांव से चढ़ाऊँ या गोवा स्टेट से दिल्ली तक, और कोई भी नहीं है। हो सकता दूसरे कोच में AC में तो फिर भी होंगे, स्लीपर में मुझे लगता है गिने चुने होंगे, कुछ 4-5 लोग ही होंगे बाकी स्लीपर में, मेरे कोच में तो लगता है मैं ही हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग जो इसमें ट्रैवल किए थे अभी की बात बता रहा हूँ, जब डाइवर्ट है ये, या तो वो मडगांव से चढ़े हैं पुणे उतरे हैं,
और यहाँ तो वो पुणे से चढ़े हैं, भुसावल उतरे हैं पुणे से चढ़ के और भोपाल उतरे हैं, या पुणे से चढ़ के वो मनमाड़ उतरे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया, अहमदनगर से मनमाड़ आए हैं या अहमदनगर से भोपाल आए हैं। और रात में भी भोपाल में भी गाड़ी फुल मतलब भरी थी, ये पीछे वाले दो कंपार्टमेंट पूरे फुल हो चुके थे और भी ऊपर वाली सीट पे आए थे मेरे। वैसे यहाँ पे पर्सन जो पुणे से आना था जिन्होंने वो नहीं आए थे, भोपाल से आ गए थे, ऊपर वाली सीट पे ऑक्यूपाइड हो गई थी। तो ये कुछ था, और अभी मतलब डाइवर्टेड है ना तो पूरा इसका सिस्टम हिला पड़ा है। अभी हो सकता है जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक तो मतलब ठीक हो ही जाएगा, वो मैंने पहले पार्ट में भी आपको बता दी थी बात। हैदराबाद है फरीदाबाद भी क्रॉस कर लिया, निजामुद्दीन ज़्यादा बचा नहीं है। मैंने कहा आपको एक बार इसका लुक दिखा दो, देखो ये तो आपको पहले भी दिखाया था जब मैं एंटर किया था मडगांव में। ये तो फिर भी ठीक है मैं कह सकता हूँ, पानी भी सही तरह से आ रहा है और अभी तक ठीक ठाक साफ रहा है, वो अलग बात है। अभी तक एक बार भी जो यहाँ के OBS स्टाफ हैं उन्होंने यहाँ पे सफाई वगैरह की नहीं है। इसी में तो होती रहती, इसमें नहीं किया है। चलो ये सीखा, एक बार वॉशरूम दिखाता हूँ, अंदर इसमें पानी भरा हुआ है, मैं थोड़ा बाहर से आपको दिखा दूँगा। देख लो यार, ये है इसका वेस्टर्न स्टाइल मेरे कोच का। हालांकि मेरे को भी अगर जाना है तो मैं पिछले कोच वाले में होकर आ रहा हूँ, इस वाले में मन नहीं कर रहा। ये तो कल रात तक फिर भी ठीक है, आज ये भी भर चुका है यार। एक तो नीचे पानी भर रहा है ना यार, एक तो इसका ना ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, थोड़ा सा पानी निकल नहीं रहा इसमें, ये थोड़ा ठीक करने वाला है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो ठीक है यार। जी 11:53 हो रहे हैं और अब जाके गड़ी गाड़ी आ रही है अपनी निज़ामुद्दीन पे, और यहाँ पे बारिश भी अब तेज़ हो गई थोड़ी थोड़ी। वैसे उस साइड आया तो आ गए यार फाइनली अपनी डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन पे यार। हाँ इसने 6:30 के करीब आना था, कहाँ ये 12:45 के करीब आई है यार दोपहर के। वही यार 5.5 घंटे ही डिले है अभी भी तकरीबन। अभी तक हमने मडगांव से लेकर यहाँ निज़ामुद्दीन तक 2030 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, और हमको टाइम वही मैंने बोला 45 घंटे से थोड़ा कम टाइम लगा यार। बाकी वैसे एक्चुअल में ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट स्लीपर क्लास की जर्नी थी जो अभी तक मेरे चैनल पे आई है। ये तो मैं आमतौर पे इतनी लंबी जर्नी करता नहीं हूँ स्लीपर में, वो मैंने रीज़न ऑलरेडी बता दिया आपको कि मैंने क्यों स्लीपर में कराया, क्योंकि मेरे को 3rd AC में साइड लोअर या लोअर कोई मिल ही नहीं रहा था, फिर बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता, इससे अच्छा मैंने स्लीपर ही करवा लिया था। बाकी फिर आपको बता दूँ तो 825 रुपये इसका स्लीपर का पड़ता है और 2045 रुपये 3rd AC इकोनॉमी का कोच भी है उसका पड़ जाएगा, एंड टू एंड बता रहा हूँ ये मैं। और 2150 रुपये आपको 3rd AC का पड़ेगा और 3115 रुपये 2nd AC और 5315 रुपये इसमें 1st AC H1 का कोच है उसका पड़ेगा। ये एंड टू एंड है वास्को से निज़ामुद्दीन तक का। ये तो कुछ था यार, बाकी मैं सोचूंगा यार कभी फिर मतलब मेरे को अगले साल अब वेट करना पड़ेगा दूध सागर वाटरफॉल करने का। जाने को तो मैं पहले भी जा सकता हूँ, लेकिन मज़ा तो भाई सावन में ही आता, और सावन तो अब बस ख़त्म ही होने वाला, जब तक आप वीडियो पहुँचेगी तब तक ख़त्म हो जाएगा। तो बस यार अब अगली बार जाऊँगा अगले साल दूध सागर वाटरफॉल, लेकिन इस ट्रेन में नहीं जाने वाला। एक तो पेंट्री का खाना मेरे को सही नहीं लगा, ऊपर से गाड़ी ने मूड ख़राब कर दिया, डाइवर्ट हो गई गाड़ी ने नहीं, बेसिकली सभी गाड़ियाँ डाइवर्ट थी, वो काम हो गया ना, वो तो चलो 20 साल कर दिया, किसी दूसरी गाड़ी में करूँगा मैं ये। बेसिकली ना मेरे को अब उस जैसा फील हो रहा था पिछले साल जो मैंने मंगला लक्षद्वीप की थी ना, ये गाड़ी मेरे को कुछ कुछ ऐसे मेरे को लग रहा था, बस उसमें मैंने 3rd AC किया था, इसमें मैं स्लीपर में करके आया हूँ, रूट लगभग वैसे ही आया था, बस उसकी जगह खंडाला की जगह वो गाड़ी कसारा घाट से आई थी। चलो बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब थोड़ा लाइक कर देना। एक तो वैसे ही इतना जूझ कर आया हूँ इस गाड़ी में, मन नहीं कर रहा था मेरा, अब तो मेरा हाथ भी दुखने लग गया फ़ोन पकड़ते। खैर चलो अब इस वीडियो को थोड़ा यहीं रखते, बिना लाइक की हिम्मत जाना अगर यहाँ तक देख लिया। मिलते हैं किसी अगली जर्नी में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।